कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाए और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक। खबर नीमच से, सरकार ने नहीं किया टैक्स माफ, बस मालिकों ने किया परिवहन विभाग में बसों को सरेंडर करने का सिलसिला शुरू। सड़क पर अब बसें नहीं, बस मालिक उतरेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना में जहां कई उद्योग बर्बादी की कगार पर आए हैं, वहीं बस व्यवसाय भी इससे अछूता नहीं रहा है। बाकी सभी व्यवसायों और उद्योगों ने तो पुनः अपना संचालन शुरू कर भी दिया है, लेकिन बस व्यवसाय आज 5 माह बीत जाने के बाद भी वहीं के वहीं खड़ा है। कारण है सरकार की बस व्यवसायियों के प्रति बेरुखी। लॉकडाउन पीरियड का टैक्स माफ न करके आज पूरे प्रदेश में लगभग 35,000 बसें हैं, जिससे जुड़े 1,50,000 बस मालिकों और कर्मचारियों के परिवार हैं, जिनमें से कई लोगों की भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। इसी बीच सरकार ने 20 अगस्त को क्षमता के अनुसार बस संचालन की अनुमति दे दी और 31 अगस्त तक बकाया टैक्स जमा करने के निर्देश भी दे दिए हैं। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रही है। टैक्स माफी के को लेकर प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई मसौदा तैयार नहीं किया। ऐसे में एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने बैठक आयोजित कर बसों को सरेंडर करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। बस मालिकों ने 18 अगस्त को भोपाल पहुंचकर भी अपनी मांग प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के समक्ष रखी। तब टैक्स माफी के लिए 3 दिन का आश्वासन दिया गया था। आज लगभग 12 दिन बाद भी कोई निराकरण नहीं होने पर जिला नीमच बस ऑपरेटर एसोसिएशन के संरक्षक मुकेश गुप्ता, गोविंद बाहेती, ऋषि मोड़, चंचल बाहेती, विनोद ग्वाला, मनीष जैन, राजू हकवड़िया, सभी सदस्य अभिषेक कोठारी परिवहन कार्यालय पहुंचे और अपने साथी बस मालिक की बसों के सरेंडर के आवेदन परिवहन विभाग प्रकाश श्रीवास्तव को सौंपे। आज शाम तक जिले के और भी बस ऑपरेटर अपनी अपनी बसों को संचालन न करने की स्थिति में सरेंडर कर देंगे। सरकार की इस बेरुखी को लेकर आज मीटिंग कर सभी बस ऑपरेटरों ने अपना आक्रोश जताया और आगे होने वाले आंदोलन की रणनीति भी बनाई है। नीमच न्यूज प्लस 24 न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।